कपड़े को फोल्ड कर लिया। इस साइड भी हमारा ओपन है और इस साइड भी ओपन है। ये हमारे चार पीस में है, ये देखिए चार पीस में हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्लीव में आर्म होल जो है वो हम नाप लेंगे कि कितना है हमारा। ऐसे रखेंगे इंची टेप और इसको पहले ऐसे नापना है, जो कि हमारा 8 इंच है और एक्स्ट्रा मार्जिन हमारा 2 इंच है, तो 8 × 2 = 10 हो जाएगा। तो हमको जो ये कपड़ा लेना है वो लगभग 10 इंच लेना होगा। ऊपर लगभग हम 1/2 इंच सिलाई के लिए छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से अंदर जाएंगे लगभग 3 इंच, ये देखिए 3 इंच के अंदर, और इसको यहाँ से ऐसे टेढ़ा ही मिला देंगे। मिलाने के बाद इसका हम हमारा जो फिटिंग था वो था 8 इंच, तो यहाँ से यहाँ पर हम 8 इंच का निशान लगाएंगे और ये हमारा हो जाएगा एक्स्ट्रा मार्जिन। अब इस 8 इंच का सेंटर करेंगे और सेंटर से बाहर की ओर आएंगे लगभग 1/2 इंच, देखिए 1/2 इंच अंदर आकर ये हम गोल से दे देंगे। अब यहाँ से यहाँ भी हमको हाफ करना है, ये हमारा 4 इंच है तो इसका हाफ होगा 2 इंच, 2 इंच से अंदर आएंगे 0.25, मतलब 1/2 इंच से भी कम, 1/2 इंच से कम आने के बाद ये फिर से हम ये गोल शेप दे देंगे ऐसे। और बॉटम हमारा है, ये 1/2 इंच हमारा ऊपर सिलाई में निकल जाएगा क्योंकि हमारा इस साइड भी ओपन है। राउंड है बॉटम का हमारा 8 इंच, तो उसका हाफ होगा 4 इंच, तो यहाँ हम 4 इंच पे निशान लगाएंगे और एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे लगभग 2 इंच। इसको इसके साथ हम मिला देंगे और ये हम इसके साथ मिला देंगे। हमको इसको कटिंग करना है। अब हमारा ये बाजू शेप हमने कट कर लिया, ये 1/2 इंच हमें सिलाई के लिए लेना है। अब हम बैक पार्ट जो है उसको हटा देंगे, ये हमारा जोड़ा आएगा ये बैक पार्ट हम हटा देंगे और फ्रंट पार्ट में हम फिर से अंदर की जो गहराई देनी होती है उसका गहराई शेप देंगे, जो कि हमने ये निशान लगा रखा है पहले से ही। अब हमको ये यहाँ से कट करना है। ये हमारा फ्रंट पार्ट में ऐड होगा और जो ये जो कपड़ा है ये वाला हमारा बैक पार्ट में, और ये इसके साथ में ये जुड़ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा, ये हमारा बैक हो जाएगा और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो गाइस ये मेरी स्लीव कट हो गई है। अगले वीडियो में हम कैसे सिलाई करेंगे वो आपको दिखा देंगे।